गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास टेंथ में आपका फर्स्ट चैप्टर का अंकित प्रश्न चल रहा है। कल मैंने आपको दो क्वेश्चन बताया था, दो अंकित प्रश्न बताए थे। आई होप कि आप सभी लोग उन दो अंकित प्रश्नों को अच्छे से समझ चुके होंगे और उससे रिलेटेड बुक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके होंगे। जो चीज या जो क्वेश्चन न समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए आज हम चलते हैं अगले निमेय प्रश्न पर, यानी अगले आंकिक प्रश्न पर। आज फिर हम दो आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आंकिक प्रश्न क्या है, क्या क्वेश्चन है, कैसे कह रहा है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष एयर टू वाटर, हवा के वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 4/3, और फिर कर दिया हवा के सापेक्ष इसका ग्लास है यानी कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 3/2। तो कह रहा है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है, कांच का जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष WNG कांच का निकालना है, तो क्या हो जाएगा AN g / AN W। तो AN g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, 3/2 / 4 कितना है 3, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे जाएगा, तो 3/9 / 4/8, यानी WNG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WNG की वैल्यू 9/8 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन नंबर 1। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 2 पर, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 2 क्या कर रहा है क्वेश्चन देखते हैं कि उसका कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु या प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी क्या है u कितना दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस है इसका u क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है ना। फिर उसी तरह कह रहा है v कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो उसका v क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है, वी पॉजिटिव हो जाएगा। अब कह रहा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या निकालना है, यह का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, 1/v - 1/u हो जाएगा 1/f = 1/v, v की वैल्यू कितनी है 20 और u की वैल्यू कितनी है माइनस 10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। अब इसको आप हल कर देंगे तो 10 यानी इसका अगर एलसीएम हम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+2 यानी हो जाएगा 3/20, क्या हो जाएगा 3/20, यानी कहने का मतलब 1/f = 3/20 या f की वैल्यू कितनी जाएगी 20/cm, यानी 20/3 cm, ठीक है। यह क्या आ गई हमारी लेंथ की फोकस दूरी। फिर से बता दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक
चार बटा तीन दिया है और वायु के सापेक्ष कांच का पर्दा कितना दिया है तीन बटा दो। अब पूछ क्या रहा है जल के अपेक्षा यानी जल के सापेक्ष किसका पूछ रहा है कांच का पूछ रहा है तो निकल क्या हो जाएगा एन जी बटे एन डब्लू यानी वायु के सापेक्ष कांच का पर्दा है तीन बटे दो बटे चार बटे तीन ऊपर चला जाएगा तो तीन बटे नौ बटे आठ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यदि एक उत्तल लेंस से वस्त्र या प्रतिबिंब दूरी का क्रम सा 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है तो उत्तल लेंस की फोकल दूरी का मान ज्ञात कीजिए। यानी वस्त्र की दूरी कितना दिया है माइनस 10 सेंटीमीटर। वस्त्र की दूरी क्या होती है हमेशा ज्ञातमक होती है तो माइनस 10 सेंटीमीटर। बी की दूरी क्या होती है बी है तो 20 सेंटीमीटर यानी पॉजिटिव है। वन अपान एफ पूछ रहा है तो एफ की वैल्यू पूछ रहा है वन अपान एफ इस वैल्यू क्या होता है वन अपान बी माइनस वन अपान यू तो वन अपान बी की वैल्यू 20 हो गई माइनस है तो माइनस 10 का मान माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/10 हल करेंगे इसको तो 1 and 3/20 यानी फोकल दूरी कितना हो जाएगा 20/3। अगर हम इसको और हल करें 20/3 को 3 × 9 यानी यह हो जाएगा यह इस पर 20/3 तो 20/3 को आप हल करेंगे तो हो जाएगा 3 × 18 और 2 दशमलव 3 × 18 और 3 × 23 कितना सेंटीमीटर 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है ये आपकी फोकस दूरी आ गई। ठीक है आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे तो इससे संबंधित आपके बुक्स में जितने भी आंकिक प्रश्न हैं आप उन आंकिक प्रश्नों को हल कर लीजिएगा तो अगले टॉपिक में अगले से रिलेटेड हम आपको आंकिक प्रश्न कराएंगे। ठीक है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।